बसमिल वेलकम टू ट्रेंस हाई स्कूल हसन अब्दार आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास सेवन इट्स अवर लेक्चर नंबर फाइव स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री किए थे आज हम उसे आगे स्टार्ट करेंगे सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर इफ़ यू इक्वल टू वन टू थ्री सो ऑन ट्वेंटी यू के सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं वन से लेकर ट्वेंटी तक इसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं एक्वल टू वन थ्री फाइव सो ऑन नाइन्टी ए में कितने वैल्यूज़ हैं वन थ्री फाइव सो ऑन नाइन्टी एंड बी इक्वल टू टू फोर सिक्स एट सो ऑन ट्वेंटी अब स्टूडेंट्स यहाँ और नंबर है यहाँ इवन नंबर है देन प्रूव एड प्रूव एड करना हमने साबित करना है क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं तो हम सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी यूनिवर्सल सेट क्या था वन टू थ्री सो ऑन ट्वेंटी वन से लेके ट्वेंटी तक वैल्यू माइनस बी बी में क्या था इवन नंबर टू फोर सिक्स सो ऑन ट्वेंटी अब माइनस में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट माइनस में ये होता है कि फर्स्ट सेट में जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यू जो सेकंड सेट में ना हो क्या हो जो सेकंड सेट में ना हो वो आंसर में लिखी जाती हैं फर्स्ट सेट में वैल्यू जो सेकंड सेट में नहीं थी वो वैल्यूज़ हैं वन थ्री फाइव सेवन सौ और नाइन्टी तो ये कौन सा सेट है स्टूडेंट्स ए का क्योंकि ए में क्या था और नंबर थे इक्वल टू ए प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो आंसर आया वो इक्वल टू राइट हैंड साइड ए के बराबर था तो प्रूफ हो गया कि बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इसका नेक्स्ट पार्ट ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी मतलब ए का कम्प्लीमेंट लें तो वो किसकी इक्वल होगा बी के इसी तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड करनी है ए कम्प्लीमेंट लिया हमने जिस तरह हम करते हैं आपको समझाया गया कि वो किसकी इक्वल था बी के किसकी इक्वल बी के कि जो यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज़ थी वो ए में नहीं है क्या है बी के साइड की इक्वल है हैंड्स प्रूफ है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है इसका पार्ट है ए स्लैश बी इक्वल टू नाइन स्लैश इसे क्या कहते हैं माइनस भी कहते हैं स्टूडेंट कंप्लीमेंट का साइन एक ये भी है जो मैंने आपको बताया था कम्प्लीमेंट का साइन एक ये भी है इसका मतलब है कि ए माइनस बी करें लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए माइनस बी की ए की वैल्यू लिखी माइनस बी की वैल्यू लिखी ठीक है अब वो वैल्यू जो ए में है बी में नहीं है कौन सी वैल्यू है कौन सी वैल्यू है वन थ्री फाइव सौ और नाइन्टी क्योंकि ए जो है वो ऑड नंबर्स है एंड बी इवन नंबर्स है तो ऑड नंबर इवन नंबर्स में तो नहीं होंगे ना तो ए प्रूफ हो गया ए माइनस बी इक्वल टू ए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका फोर पार्ट भी ऐसे आपने करना है होमवर्क में नाउ फाइव क्वेश्चन पढ़ते हैं इफ़ यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स हैं एंड डब्ल्यू इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स दैन फाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू कहते हैं जो यू सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री सो ऑन क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ नहीं बताया कि कहाँ तक सेट ऑफ इंटीजर्स है तो ये सो ऑन चलते जाएंगे एंड होल सेट क्या होते हैं डब्ली क्या है होल सेट होल सेट क्या होता है जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री सो ऑन अब कह रहे हैं क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे तो क्या होगा यू माइनस डब्ल्यू गुड इधर हमने लिखा वेयर आर यू इक्वल टू इंटीजर सेट डब्ल्यू इक्वल टू होल सेट अब डब्ल्यू कंप्लीमेंट क्या होगा डब्ल्यू की वैल्यू लिखी माइनस सॉरी U की वैल्यू लिखिए, माइनस W की वैल्यू लिखिए। स्टूडेंट सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी है U की वैल्यू लिखनी है फिर माइनस W की वैल्यू लिखनी है U क्या है यूनिवर्सल जो है इंटीजर्स माइनस w होल सेट है अब कौन सी वैल्यू ऐसी है जो फर्स्ट सेट में और सेकेंड में नहीं है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सौ ऑन तो ये क्या हो जाएगा W कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम इसी तरह स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इफ़ यू इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ के नेचुरल नंबर वन टू थ्री सो ऑन एंड पी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर और पी कौन से हैं प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका अपने ऊपर ही टेबल आता है टू थ्री फाइव सेवन सो ऑन देन फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ सेट पी क्या फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट ऑफ सेट पी सेम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन होमवर्क करने हैं स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स किए हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमें सेट्स दिए गए थे और हमने प्रूव करना था कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की इसके पार्ट को पार्ट वन टू थ्री एंड फोर आपने कॉपीज में करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव दिए गए थे स्टेटमेंट थी हमने कंप्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू फाइंड आउट करना था एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स ये भी स्टेटमेंट दी गई थी और हमने क्या फ़ाइंड आउट करना था कम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी फाइंड आउट करना था ये सब क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपीज़ में करने हैं समझने हैं और सिर्फ प्रैक्टिस भी करनी है मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू